रेसिपीज विद मंजू में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ टाइगर प्रिंट केक, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। जिसके लिए हमने लेना है 200 ग्राम मैदा, 1 कप मैदा हो गया हमारा, 2.5 की 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.25 की चम्मच से ये बेकिंग सोडा। अब हम इसको छान लेते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम चीनी पाउडर शुगर। अभी जाएगा 100 ml से ऑयल। अभी हमारा मिल्क मैड है, फ्रिज में रख दिया था तो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा। ये हमारा होममेड मिल्क मैड था, हमने इसको घर में ही बनाया था और इसका वो रेसिपी हमने लिंक में शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। अब इसमें जाएगा रूम टेम्परेचर का 100 ml से मिल्क, और अब हमें इसको अच्छे से मिला लेना है, एकदम अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये पूरा एकदम गाढ़ा लिक्विड बन जाए। मिल्क मैड, ऑयल, पाउडर शुगर, मिल्क सारे को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहे, अच्छे से फेंट जाए। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, ये खुशबू के लिए डालते हैं, आपके पास नहीं है मत डालिए। अब हमारा मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देती हूँ ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हमने की चाल के रखा हुआ था, उसको अब इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके इसको कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना, जितना ही फेंटेंगे उतना अच्छा ये फूल के आएगा, इतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा ये केक हमारा, इसलिए हमें इसको अच्छे से फेंटना है। अब हमारा बिल्कुल ये फेंट के पूरा रेडी हो गया है, इसका बैटर ऐसा होना चाहिए, रिबन बनना चाहिए, देखिए बन रहा है ये। अब ये हमारा हो गया वनीला बेस और हमने इसको हाफ हाफ कर दिया है। अब ये बनेगा चॉकलेट बेस, क्योंकि चॉकलेट डाल रही हूँ। इसमें 1 से 1.5 चम्मच कोको पाउडर डाली हूँ। अब कोको पाउडर को हम अच्छे से मिला लेना है इसे। इसको हम जब मैदा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को छान रहे थे उस टाइम भी हाफ मैदा करके अलग अलग बना सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा आसान है क्योंकि बेटर बना, फटाफट हमने इसमें कोको पाउडर डाला, बस बन गया, ये आसानी से बन जाता है, इसलिए मैं इसे आज बना रही हूँ। और अगर आपको गाढ़ा लगे थोड़ा तो दूध ऊपर से डाल सकते हैं। ये भी हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। अब हमारा टिफ़िन है ये, स्टील का केक टिन में भी बनाते हैं, मैं आज इसमें बनाऊंगी। और इसमें हमने ऑयल लगा के मैदा डस्ट किया है, और कोई कोई बटर पेपर लगाते हैं, बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगा देते हैं, तो मैं आसान तरीके से बना रही हूँ। और आज कुकर में बनाऊंगी। ओवन के लिए इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 मिनट में पकता है, और ओवन में ये 40 से 50 मिनट में पकता है, सॉरी कुकर में 40 से 50 मिनट में पकता है, क्योंकि कुकर में टाइम लगता है और ओवन में जल्दी बन जाता है। अब हम इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले, और पाइपिंग बैग से बनाते हैं इसको। आज मैं आसान तरीके से चम्मच से बता रही हूँ। गिलास में पाइपिंग बैग डाल के उसके अंदर ये लिक्विड डाल देना है, फिर उसी से डिज़ाइन बनाना है, और मैं चम्मच से बनाना बता रही हूँ क्योंकि ये आसान तरीके से बन जाता है, किसी के पास पाइपिंग बैग नहीं होता, तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ।
अब हमारा डिजाइन बनने लगा है, इसी तरह हम बना लेंगे पूरे को। एक चम्मच कोको पाउडर वाला, फिर वनीला बेस, सीधा इस पे डालना है, नहीं तो बाहर गिरेगा तो खराब हो जाएगा। अब मैं इसको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है पूरा एकदम। अब इसे सिर्फ डिज़ाइन हमें उससे बनाना है, टूथपिक स्पिक से। थोड़ा भी दिखाती हूँ, लास्ट में ये रख दिया हमने चॉकलेट वाला, बस हो गया। अभी हमारा मार्बल जैसा दिखने लगा, बहुत ही सुंदर बन गया। अब मेरा डिज़ाइन बन चुका है, मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। बिल्कुल फ्लावर दिख रहा है ना, ये कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है मेरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाह, पकने के बाद और ही अच्छा लगेगा, ये देखने में सुंदर लगेगा, खाने में तो और भी टेस्टी लगेगा। अब हम इसको कुकर में चल के रखते हैं। उधर कुकर को हमने 10 मिनट पहले फ्री हीट करने के लिए रख दिया था, अब हमारा ये फ्री हीट हो गया है। इसमें एक प्लेट है, अब इसी में इसको रख देती हूँ। बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको रखना है, और अब इसका ढक्कन लगा देती हूँ। सीटी इसका अलग कर देना है, और ये रबड़ इसमें लगा रहेगा, और इसको अब 40 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद चेक करूँगी, अगर नहीं पका होगा, देखती हूँ, नहीं तो 40 मिनट पक जाता है, तो 5 मिनट और लेता है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब इसको 50 मिनट हो गए हैं, और इसको एक बार चेक करती हूँ। एकदम पक गया है, ड्राई निकला है ये पूरा। अब हमारा टूथपिक क्लीन निकला है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है, गर्म है अभी। अब हमारा केक पूरा अच्छे से बन गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा फ्लावर आया इसमें, बिल्कुल लग रहा है ना टाइगर प्रिंट केक, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ, कितना स्पंजी बना है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्लावर इसमें आ गया पूरा टाइगर प्रिंट में, ये आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत इजी है, और बहुत सुंदर भी लगता है, बच्चों को पसंद आता है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और आप कुक वेज भी मंजू में, बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।